जैसा मैंने सोचा था, बड़े मियाँ छोटे मियाँ उतनी ही वाहियात निकली और ये मूवी AI पे बेस्ड है। लेकिन AI भी इसे देखकर यही सोचेगा कि मैं हूँ ही क्यों इस दुनिया में, इससे अच्छी कहानी तो मैं लिख देता। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि दो सोल्जर्स को एक मिशन मिला है जहाँ इंडिया का एक पैकेज दुश्मन के हाथ लग गया है और उसे वापस लाने के लिए इन दोनों को अपॉइंट किया है। तो ये मूवी एक इलॉजिकल चूतियापा है क्योंकि ये काफी डम फील होती है और विलन्स अपने दोनों मेन लीड को सामने से पीछे से हर जगह से गोली मार रहे हैं, लेकिन गोली जो है वो कहती है कि आज मेरा मूड नहीं है, फिर कभी इन दोनों को देखेंगे। और बेडियो वाले सीन में तो भाई हद हो गई क्योंकि वो पूरा हट गिर जाता है, नीचे आग लगी हुई है और वो दोनों उसे तोड़कर खड़े हो जाते हैं। वाह भाई, सुपरमैन आपका रिटायर होने का टाइम आ गया। लेकिन इसकी कॉमेडी ठीक ही थी, वो भी कुछ खास नहीं थी। बाकी मूवी में मेन लीड को छोड़कर सभी के कैरेक्टर्स बेकार है और सुकुमारन, अक्षय कुमार और अलाया की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया थी, लेकिन उनको मूवी गिलहरी के मुंह जैसी मिल गई तो क्या ही कर सकते हैं। और इसकी एडिटिंग की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, भाई यूट्यूबर्स भी इससे अच्छी एडिटिंग कर लेते हैं। और इस मूवी को लिखते वक्त लॉजिक मेकर्स के दिमाग में था ही नहीं, लाइक लॉजिक ने कह दिया कि भाई तू लिख, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ और जब कंप्लीट हो जाए तो उठा देना। और इसे इसके मेकर्स एक्शन मूवी कहते हैं, जबकि एक्शन की कैटेगरी में भी ये मूवी बड़ा गंदा हकती है क्योंकि जब ये पूरी ही मूवी डम है तो इसका एक्शन सेंस कैसे बना सकता है। कुछ नया नहीं है भाई, टाइगर वही गुलाटी मार रहा है और अक्षय कुमार एक दो जगहों से कूद ही रहा है, यानी कि इसे तुम एक्शन एंटरटेनर भी नहीं बोल सकते क्योंकि इन्होंने इतनी स्मार्ट अल्ट्रा प्रो मूवी बनाई है जिसे समझने के लिए हमें कम से कम 150 साल स्टडी करनी पड़ेगी। और ब्लैक पैंथर और ऑप्शन शो से जो मूवी ने इंस्पिरेशन ली है उसे देखकर दोनों ही मूवीज के मेकर्स रो देंगे कि भैया हमको फांसी चढ़ा दो, ये कैसे लोग इंस्पायर हो गए हमसे। सो ओवरऑल BMCM एक काफी रद्दी चूतिया पर एक्शन मूवी, पता नहीं क्यों बोलते हैं इसको, तुम समझ गए ना। बाकी तुम देख लो तुमको क्या करना है, मैं जा रहा हूँ फिजियोथेरेपी कराने।